61 कैमरों की नजर में जनमत स्ट्रांग रूम से बाहर देर रात पहरा दे रहे कांग्रेसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए ग्वालियर की 6 विधानसभा के 90 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। यह ईवीएम ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यह ईवीएम 16 दिन 1 सैकड़ा जवानों की कड़ी सुरक्षा में रहेगी। स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में बीएसएफ, दूसरी लेयर में एसएएफ और आखिरी में स्थानीय जिला पुलिस का बल तैनात किया गया है। इसके लिए करीब 1 सैकड़ा जवान, 3 TI व 1 CSP विशेष तौर पर हर समय स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहते हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर की निगरानी 57 सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं। वहीं स्ट्रांग रूम के पीछे 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 61 सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे हैं। ईवीएम मशीन की निगरानी करने वाले कार्यकर्ता बोले, रात को 2 लोग सोते हैं तो 2 लोग नजर रखते हैं। जब मौके पर जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम मशीन की स्क्रीन पर निगरानी कर रहे विधानसभा 16 और 17 के प्रत्याशियों के शिकायतकर्ताओं के कट जब मौके पर जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम मशीन की स्क्रीन पर निगरानी कर रही विधानसभा 16 और 17 के प्रत्याशियों से कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो जिला यूथ कांग्रेस के महासचिव जसवंत वर्मा का कहना है कि हम कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर 3 शिफ्टों में ईवीएम मशीन की निगरानी करते हैं। रात 10 बजे से जो कार्यकर्ता निगरानी करने आते हैं वह सुबह 7 बजे तक मौजूद रहते हैं। उसके बाद दोपहर 1 बजे तक दूसरे कार्यकर्ता निगरानी रखते हैं। फिर तीसरी शिफ्ट में अन्य कार्यकर्ता ईवीएम मशीन पर निगरानी करने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे खाने पीने के लिए प्रत्याशी द्वारा व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता का कहना है कि कलेक्टर द्वारा खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं की गई है। ईवीएम मशीन पर निगरानी रखने के लिए हर वक्त 4 कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। रात में 2 कार्यकर्ता आराम करते हैं और 2 LED स्क्रीन पर नजर बनाए रखते हैं। स्ट्रांग रूम के हर कोने पर जवान व सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हर कोने व चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। पूरे परिसर में करीब 0.5 सैकड़ा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे स्ट्रांग रूम और वहां तैनात जवानों पर नजर रखी जा सके। इन सीसीटीवी कैमरों से कनेक्ट एक बड़ी स्क्रीन बाहर लगाई गई है, जहां से सभी जवान और अंदर के माहौल पर निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने भी निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात डेरा जमा लिया है। अब स्ट्रांग रूम में बंद 16 दिन बाद ही खुलेगी ईवीएम। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद मतदान दलों ने देर रात तक ईवीएम एमएलबी कॉलेज में जमा कराई थी। स्ट्रांग रूम में लॉक की गई ईवीएम मशीनों को अब 3 दिसंबर को मतगणना के लिए बाहर निकाला जाएगा। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान लगाए गए हैं, जिससे गड़बड़ी की संभावना ना रहे। यह रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 1 SP, 2 CSP के साथ 3 निरीक्षक व करीब 100 जवान लगाए गए हैं, जिसमें स्ट्रांग रूम के बाहर BSF, उसके बाद SAF और बाहरी सुरक्षा के लिए जिला पुलिस के जवान लगाए गए हैं, जो राउंड द क्लॉक तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बगैर पलक झपकाए ईवीएम की निगरानी दिन रात कर रहे हैं। प्रशासनिक अफसर कर रहे हैं मॉनिटरिंग। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर चुनाव आयोग को इसकी रोजाना की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लग पाए। किसी को नहीं है स्ट्रांग रूम में प्रवेश की अनुमति। स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम मशीन के पास तक जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है और मॉनिटरिंग कर रहे अफसर भी बाहरी क्षेत्र तक जा रहे हैं। साथ ही पुलिस जवानों के पास तक सिर्फ प्रत्याशी और अफसरों को जाने की अनुमति दी गई है। पुलिस का कहना था कि इस मामले में SSP राजेश सिंह चंदेल ने बताया था कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था लगाई गई है। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्ट्रांग रूम के बाहर BSF, फिर SAF और आखिरी में स्थानीय पुलिस बल सुरक्षा की कमान संभाल रहा है। स्ट्रांग रूम के अंदर किसी भी कर्मचारी और कार्यकर्ता को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।